नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज। विधानसभा चुनाव 2023 महासंग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता अपने सहयोगी सुमेर सिंह सोलंकी के साथ अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम आपकी सिफारिश पर लेकर आए हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज की ओर से चुनावी विधानसभा चुनावी महासंग्राम 2023। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन सभी प्रत्याशियों से जो इस बार चुनाव के रण क्षेत्र में जनता के सामने फिर से उतरे हैं। इस बार के आज के इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में हम आपके सामने जो पेशकश लेकर आए हैं चुनावी महासंग्राम 2023 में, इसमें हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उज्जैन दक्षिण के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, जाने माने लोकप्रिय नेता, लोगों के दिलों में राज करने वाले और बीजेपी में अपने खास पहचान रखने वाले माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से। इस बार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक बार पुनः दक्षिण से आप उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, जनता से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या जनता एक बार पुनः आपको मौका देगी, आपको क्या लगता है, और अगर देगी तो क्यों देगी, इसकी क्या वजह है? पिछली बार के जो चुनावों का भी रिजल्ट रहा है उसमें वोटों की संख्या काफी बड़ी थी ऐसा देखने में आया है, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस बार जनता आपको क्यों मौका दे और क्यों आपको पुनः एक बार विधायक या अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुने। जी देखिए, बहुत सरल बात है, सीधी बात है, जनता लोकतंत्र में भगवान होती है, जनता का निर्णय शिव आधारित होता है और हम तो बाबा महाकाल की नगरी में, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली में है, तो स्वाभाविक रूप से मन में अत्यंत श्रद्धा आदर और विश्वास के साथ जनता के हर निर्णय को सर्वमान्य करता है और शिव आधारित करता है। यही कारण है कि मैंने जब 2003 में जब चुनाव लड़ा था तो 2003 के समय से उसके पूर्ववर्ती काल में जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा या यूडीए का चेयरमैन रहा, तब हमने कई विकास के काम किए थे। इसी कारण से 2013 में मैं परमात्मा की दया से पहली बार यहाँ से टिकट मिला, तो लगभग 10,000 वोट के आसपास से चुनाव जीता था। जब विधायक के नाते से काम प्रारंभ किया, विधायक के नाते से कई ऐसे असंभव काम हुए, जैसे नानाखेड़ा बस स्टैंड हमारा 1992 का बना हुआ था लेकिन बस स्टैंड चालू नहीं हुआ था, माधव नगर हॉस्पिटल हमारा बन के तैयार था लेकिन डिस्पेंसरी रूप में था, तो विधायक के नाते से हमने इस बात की लड़ाई लड़ी कि ये बड़ी प्रॉपर्टियाँ क्यों नहीं चालू करना चाहिए, क्यों उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे सिंहस्थ का जब मौका आया तो कई निर्माण कार्य को जो समय चीन या उज्जैन के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होता है, ऐसे कई निर्णयों को लेकर हम जनता के बीच में गए और सरकार से उनको कराया। इसका परिणाम यह आया कि उस दिन का दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ा और हम अपने कामों के बलबूते पर जब मैं 2018 में दोबारा चुनाव लड़ा तो डबल वोट से चुनाव जीता, तो ये जनता ने अप्रिशिएट किया, जनता का समर्थन मिला, जनता ने लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम हो, सभी चुनाव में लगातार वोट प्रतिशत बढ़ाते हुए मुझे आशीर्वाद दिया, तो फिर दोबारा 2018 का चुनाव अच्छे से जीते। 2018 के चुनाव के बाद फिर नगर निगम चुनाव आए और बाकी काम हुए, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर जनता मुझे डबल वोट्स जिता रही है तो स्वाभाविक रूप से जनता की आशा पे खड़े होकर के पार्टी ने मौका दिया, तो मैं पार्टी का धन्यवाद भी देता हूँ, जनता के प्रति आभार भी मानता हूँ कि लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि हमको अपने लिए गए जनता के आदेश में जनादेश से समझ में आ जाता है वोटों के माध्यम से कि वो जनता क्या चाहती है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात की है कि बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है, आप लोगों का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, अक्सर बीजेपी विकास की बात करती है, आपने भी अभी विकास के मुद्दे की बात की है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जनता ये कहती है कि विकास की बात एक तरफ हम करते हैं और दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई, आप देखिए बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है और बढ़ती हुई जिस तरह से जो बेरोजगारी है, क्या इन सब चीजों के साथ हम विकास की बात कर सकते हैं? कड़वा सच लगता है कि एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, एक तरफ बढ़ता हुआ बेरोजगार, एक तरफ बढ़ती हुई जो बेबसी मजबूरी लोगों के बीच में दिखाई देती है, इसके बीच में हम विकास की बात कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय? मैं थोड़ा सा विनम्रता के साथ आपकी बात कर
मैं करता हूँ तो आंकड़े बताते हैं। जी जी, आपने कहा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, जी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि उज्जैन सहित पूरे प्रदेश के अंदर सभी सेक्टर में जहाँ रोजगार मिलता है, सभी सेक्टर में अगर लगातार सुधार हुआ है तो बेरोजगारी की स्थिति तो निश्चित रूप से उसका जवाब अपने आप मिल जाता है। जैसे अकेले उज्जैन में हमारे पिछले 1.5 साल के अंदर टूरिज्म के माध्यम से उज्जैन की जो ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ ने उज्जैन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना छोटा शहर जिसकी 7 लाख के आसपास आबादी हो, जिसमें 5 करोड़ प्रति वर्ष यात्री आने लग जाए, 3000 करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, हमारे अकेले सावन सोमवार के आखिरी सवारी वाले दिन 10 लाख लोग आ गए, सावन के महीने में 2 करोड़ यात्री आए। एक केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, धार्मिक दृष्टि से आने के बाद भी लोग यहाँ आकर के रुकना, व्यापार व्यवसाय सब क्षेत्रों में कहीं कोई किसी की, इसके बदले में इसका परिणाम यह आया कि बड़े पैमाने पर सब सेक्टर में व्यापार एकदम चमत्कृत रूप से उज्जैन से बढ़ा है। तो यहाँ तो स्थिति बन गई कि बाहर के कई बेरोजगार उज्जैन आकर के रोजगार ढूंढने लगते हैं। हमारी इंडस्ट्रियाँ जो कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुई थी, हीरा मिल, बिनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, पाइप फैक्ट्री, श्री सिंथेटिक, उसके उलट सोयाबीन प्लांट जो बंद था वो हमने 4000 महिलाओं का कारखाना चालू कर दिया। 27 विक्रम नगर की हमारी फैक्ट्रियों के हमारे काम चालू हो गए, 1 लाख लोगों का मेडिकल डिवाइस पार्क आ गया। तो ये मान के चलो उज्जैन महानगर की दिशा में चल रहा है, तो रोजगार की दिशा में बेरोजगारी का प्रश्न खत्म हो गया। दूसरा आपने कहा महंगाई का, तो आप अंदाजा लगाएं महंगाई कहाँ है। महंगाई बगल में है, जहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल 272 रुपये लीटर मिल रहा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान छोड़ो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका सभी तो एवरेज 250 रुपये से ऊपर का पेट्रोल मिल रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई की दर उच्चतम स्तर पर, हमारे महंगाई कंट्रोल में माननीय मोदी जी की चमत्कार विदेश नीति के कारण से, और गुट निरपेक्षता की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन बाकी सच्चे अर्थ में गुट निरपेक्षता की भूमिका मोदी जी अदा कर रहे हैं, जिनने रूबल की तुलना में, डॉलर की तुलना में रुपयों से पेट्रोल डीजल के अपनी विनिमय की बात बना ली, जिसके कारण से हमारा बड़े पैमाने पर जो पैसा लग जाता था वो पैसा बचाया और उसका जनता को लाभ मिला। आपने अक्सर देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से या और कई अन्य साधनों के माध्यम से कांग्रेस इस बार का दावा कर रही है कि बीजेपी इस बार भय में है। उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस पूरे जोर शोर से जीतेगी और बीजेपी बहुत अच्छी तरह से हारेगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमारी पुरानी कहावत है और वो चरित्र है, पहले मारे सोनी बाद में आए फकीर। आप चौथी लिस्ट हमारी प्रत्याशियों की आ रही है, कांग्रेस की एक सूची देने की हिम्मत नहीं हो पा रही। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता दिग्विजय सिंह, अरुण यादव या अन्य अन्य विवेक तनखाली से सारे कई सारे लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, मैदान में नहीं आ रहे। उसके उलट हमारे यहाँ से बड़े से बड़े नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राकेश सिंह जी, अजय विष्णु जी, प्रहलाद पटेल, जिनको कहा वो मैदान में आ रहा है। तो ये अपने आप में इनके चावल बताते हैं कि खीर पक रही है कि नहीं पक रही है। हमारे बड़े से बड़ा मैदान में आकर के तैयार और डट कर पार्टी का काम करने को तैयार है, और ये पार्टी के बड़े नेता 10-10 साल जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी मैदान में आने से डर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी अभी मार पड़ी थी इनकी भोपाल में, इनकी बोलती बंद हुई है, ये रिकॉर्ड भूले नहीं। ऐसी इसी आधार पर जो देश भर में कांग्रेस की हालत खराब हुई है, मध्य प्रदेश में तो और बुरी स्थिति हो गई। कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही, आपस के झगड़े खत्म नहीं कर पा रही, पिछली सरकार उनके आपसी गलत से गिरी थी उसके घाव अभी तक कांग्रेस हरे है। तो कांग्रेस बोल रही है लेकिन ये बोलने में उनकी खोखलापन दिखाई दे रहा है, जो उनके कामों से दिखाई दे रहा है कि वो अपनी सूची को नवरात्रि के बहाने से टाल रहे हैं। वो कैंडिडेट नहीं मिल रहा वो जीतने की बात कहाँ से करें। तो डर तो कांग्रेस में है, और डर तो क्या है, मैं समझ सकता हूँ कि 2023 विधानसभा चुनाव उन्होंने निर्वाचन के रिजल्ट आने के पहले हार मान ली है, स्थिति बन रही कांग्रेस हरी हुई लड़ाई लड़ रही, तो जिनका मनोबल इतना गिरा वो कहाँ जाएंगे हम तो सबको मालूम। आपसे एक बहुत अहम प्रश्न में इस बात करना चाहूंगी कि सुर्खी विधानसभा से 2018 में बीजेपी प्रत्याशी रहे सुधीर यादव जी ने बीजेपी छोड़ दी, और भी ऐसे कई नाम है जिन लोगों ने बीजेपी को छोड़ दिया और वे कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि
कि ये सभी नेता जो बीजेपी से इतने सालों से जुड़े हैं वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ या किसी अन्य पार्टी की ओर जा रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको जो विधायक का चुनाव लड़ेगा हारे अपने कारण से चुनाव नाराज में पार्टी छोड़ी है, अगर को मिले कर रहे आप इस बात को उल्लेख नहीं कर रहे जो बर्बाद के कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला अभी दो दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो बीजेपी के तुलना में कांग्रेस के विधायक अगर पार्टी ज्वाइन कर रहा है और केवल सचिन बिरला नहीं 28 विधायक कांग्रेस छोड़ करके हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए और तमाम सम्मिलित होने वाले पार्टी के कांग्रेस के विधायक बीजेपी के विधानसभा के कैंडिडेट बन करके चुनाव जीतने के बाद फिर एक बार भाजपा के बैनर तले चुनाव में आ रहे हैं, तो कांग्रेस में घबराहट है कि बीजेपी में? ये उदाहरण क्या दिखा रहा है? ये उदाहरण बता रहे हैं कि कांग्रेस की हालत और खराब हो रही, लेकिन वो कांग्रेस ऐसा बोलेगी तो कांग्रेस की ज़्यादा फिक्री होगी, इसलिए कांग्रेस भ्रम का जाल फैला रही है और भ्रम में जनता आने वाली है। इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए कई नाम चल रहे हैं, चर्चा में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, कुछ कह रहे हैं इस बार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, और कुछ कह रहे हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। आपकी इस बारे में क्या राय है कि इस बार यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार पुनः बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में कौन से चेहरे को जनता देखना चाहेगी? देखिए, कार्यकर्ता आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी, और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री को लेकर कभी कोई विवाद नहीं होता है। आपने देखा होगा, यही कारण है कि जब 2003 का चुनाव हुआ था तो भारतीय के चेहरे पर चुनाव रहा था जी, भाजपा की सरकार भी बनी और सिर्फ वह घटनाक्रम के आधार पर बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह जी, तो देश का ही उदाहरण बन गया इतिहास के। शिवराज सिंह जी 18 साल से एक ही राज्य के मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में चौथा चुनाव हम लड़ रहे हैं, तो भाजपा में कभी ये विषय नहीं बना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाजपा में केवल कमल का फूल लेकर के पूरी पार्टी लगती है और जिसको मौका मिले बाद में वो जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। तो हमारे यहाँ ये विवाद और हमारे यहाँ परम्परा ज्योतिराज संजय जी को चेहरा क्या बताया था, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, कांग्रेस की सरकार गिरी, ये रिकॉर्ड कांग्रेस का है। अभी एक बार फिर अब तो सिंधिया जी हमारे साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के आपसी बड़े नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव जी, इनके झगड़े चल रहे हैं तो सीट फाइनल नहीं हो पा रही। इनके यहाँ मुख्यमंत्री कौन बने इसकी लड़ाई है। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, प्रदेश का अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, या मुख्यमंत्री, एक ही कमलनाथ जी सब दूर कब्जा करके बैठे हैं। इसके माहौल इतना इससे विरुद्धार्थी है कि जीतू पटवारी जी को विरोध करना पड़ता, कभी उनको घर बैठ जाते नाराज होकर के तो दिल्ली दखल देती है, उनको कोऑर्डिनेटर करते दोबारा जवाब। तो ये सब भूत सजावट, मुख्यमंत्री के पद के झगड़े, पावर के झगड़े, ये सब कांग्रेस में, हमारे यहाँ इसकी कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो सब पूर्णता संगठन के एकनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारे आप बता जनसंघ के समय से सम्मानित माननीय आडवाणी जी से लगाकर मुरली मनोहर जोशी तक और यहाँ रेड्डी जी से लगाकर थावर चंद जी, हमारी परंपरा में जिसको जो काम मिलता है हमारे यहाँ, चूँकि कार्यकर्ता अपनी निष्ठा, अपने विचार, अपने सिद्धांत सर्वोपरि मानता, तो आजीवन उसका व्रत लेता है, उसका पालन करता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस हमसे सीखें। आपने मध्य प्रदेश में एक पद जो आपने लिया था वो जाता है, मेरा और क्या सभी का मानना है कि आपने अपनी मर्जी से लिया था। उस शिक्षा मंत्री में आपने जो मंत्री बनने की चाहत आपके मन में आई, कैसे आई और आपने उसमें क्या क्या किया है, जरा बताइए आप। देखिए, ये बात सही है कि उच्च शिक्षा मंत्री ये कई चुनौतियों का पद होता है, क्योंकि उसके पहले मैं टूरिज्म का 4 साल तक चेयरमैन रहा, टूरिज्म को अलग ढंग से डेवलप करना, उस पर काम करना। उज्जैन में हमने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से यहाँ पर उज्जैन में वातावरण बनाया, इसके कारण से 150-200 होटल खुले। पहले होटल को यूनिट में उद्योग का दर्जा नहीं था, सब्सिडी नहीं थी, हमने इसमें भी टूरिज्म को उद्योग का दर्जा देकर के बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना खोली। देश भर में ये उदाहरण बना मध्य प्रदेश, जिसने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया, सभी मंदिरों में निर्माण कार्य कराए, मूलभूत सुविधाएँ डेवलप की और एक तरह से हेल्थ में, एजुकेशन में, टूरिज्म अपना अलग अलग क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते देश में दो दो बार हमने राष्ट्रपति पुरस्कार लिए। एक इसी प्रकार से यूडीए के टाइम पे कई निर्माण कार्य किए थे। उच्च शिक्षा में मुझे इस बात की बड़ी, मैं चूंकि लंबे समय तक छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, तो मैंने इसके कष्ट भी समझता था और ये मान के चलूँ कि देश भर में
उच्च शिक्षा विभाग हमारी सकल पंजीयन दर जिसको GER बोलते हैं उसमें कई पायदान पीछे थे। तो मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने लेने के बाद में अपनी राष्ट्रीय सकल औसत के पास हमने पहुँचा दिया। इसी प्रकार से देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई तो सबसे पहले मध्य प्रदेश ने उसको लागू की। हमने GER जब कोविड कठिन काल आए तो लोग कहते हैं कि आप उनको जनरल प्रमोशन दे दो, लेकिन हमने उस कोविड की चुनौती के बावजूद भी परीक्षाएं करी, भले ओपन परीक्षा प्रणाली डेवलप की जिसका फॉलो कई राज्यों ने किया। यहाँ तक कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल, हमारे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कई राज्यों ने हमारी शिक्षा नीति को, हमारे परीक्षा पद्धति को, हमारे काम करने के तरीकों को अपनाया। इससे अपना हमारा न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्यप्रदेश का स्थान बना, बल्कि उल्टा हमारे धार्मिक आदर्श और हमारे पवित्र ग्रंथ भगवान के ऊपर, जीवन के रामायण, वाल्मीकि रामायण, इसी प्रकार से भगवान के ऊपर कृष्ण भगवान के जीवन काल की भी घटनाएँ, या ऐसी सनातन संस्कृति के कई पौराणिक कथाएँ जिससे हमको कई प्रेरणा मिलती है, हमारे संस्कार में या हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है, उन सबको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, जनता के सामने ये आदर्श स्थान, आदर्श उपलब्ध कराया कि हाँ, हमारी संस्कृति को समझ करके भी हम ज्ञान विज्ञान की आगे की गंगा में पौधे लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, इसी के बलबूते पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लेकर के महाविद्यालय में ग्रेडिंग चालू कराई, नेट का ग्रेडेशन कराया, बड़े पैमाने पर मूलभूत अवसंरचनाएँ दी, 54 नए कॉलेज खोले, 40 नए संकाय प्रारंभ किए, PSC के माध्यम से लगभग 3700 पदों को लगातार दूसरे साल भी, पहले 2022 में 2072 पद, दोबारा दूसरी लिस्ट अभी जारी करी 2023 में 1736 नए पद PSC से भरने का मौका दिया, ताकि हमारी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आए। जो कालिदास कन्या महाविद्यालय में केवल 800 बेटियाँ पढ़ती थी, आज 4000 बच्चियाँ माधव कॉलेज में, पुराने माधव कॉलेज, वर्तमान कालिदास कॉलेज देवास गेट में पढ़ रही, और राम लक्ष्मण मंदिर के यहाँ जो कॉलेज माधव कॉलेज भेजा, अब केवल वहाँ आर्ट कॉमर्स नहीं बल्कि वहाँ साइंस की पढ़ाई भी हो रही। ऐसे कई सुधार भी हमने किए, जनता कर सकते थे, मुझे संतोष है जनता ने उसको एप्रिशिएट किया। आपको फिर से मौका मिला है जनप्रतिनिधि के रूप में दक्षिण में कार्य करने के लिए, आपके मन में ऐसे क्या जिज्ञासा है जिसे पूरा करना है उज्जैन में, और क्या आवश्यकता है जिन्हें आप पूरा करने जाएंगे, क्योंकि एक दक्षिण में ऐसा जहाँ तक मुझे पता चला है कि तीसरी बार आपको मौका मिला है, तो ऐसा क्या, एक आपका नाम ऐसे भी मोहन है, आपने क्या ऐसा कार्य किया है या आगे और आपके ऐसे क्या सपने जो करना आवश्यक है? हमारा शहर भाई यहाँ पर कुंभ भी लगता है, अलग अलग प्रकार के, ये आपके क्या ऐसे विचार है और आप करने जा रहे हैं जो सपने अधूरे हैं, ये बताइए जरा। आपको धन्यवाद है, मुझे इस बात का संतोष है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा उज्जैन दक्षिण से कोई तीसरी बार एक ही पार्टी का विधायक के नाते से प्रत्याशी बना है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं जनता की मदद से, सबके प्रेम सहयोग से, स्नेह से 2013 में जितने वोटों से जीता, 2018 में डबल वोटों से जीता, अब की बार फिर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और जनता ने लगातार अपने विकास करने के कामों में विश्वास व्यक्त किया, जनता को भरोसा हो गया। मुझे भी संतोष है कि उज्जैन हजारों साल पुरानी उज्जैन जिसको कई क्षेत्रों में काम करके उसकी पहचान बदलने की जरूरत है, मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने उन सभी सेक्टर में काम करने का प्रयास किया। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा, धार्मिक पर्यटन की बात आती तो बाबा महाकाल का मंदिर, तो अभी वर्तमान का मंदिर रामोजी सिंधिया ने 250 साल पहले बनाया था, उस महाकाल मंदिर में उसका विस्तारीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने टूरिज्म के टाइम पर उसकी भस्मारती की क्षमता 2000 बढ़ा गई थी, लेकिन बाद के कालक्रम में फिर स्मार्ट सिटी की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो राशि दी, तो हमने पूरे महाकाल मंदिर विस्तारीकरण की योजना बनाई, जिसके कारण से महाकाल 1 और महाकाल 2 का अभी हमने प्रोजेक्ट देखा है, अभी महाकाल 3 की भी गुंजाइश इसमें, और अब केवल महाकाल नहीं, हमारे सभी देवस्थान मंगलनाथ, सिद्धनाथ, काल भैरव, शनि मंदिर, चिंतामण, मैंने सभी मंदिरों का काम किया, जब टूरिज्म चेयरमैन था 1 करोड़ लेकर के इनका भी विस्तारीकरण कराया था, और आज की स्थिति में इनको और विकसित करने की जरूरत है, एक तरह से सैटेलाइट टाउन बनेंगे, बड़ी भीड़ को विकेंद्रीकृत करके सारे स्थानों का लाभ शहर अपने विकास में भी ले सकता है, व्यवस्था के संचालन में भी ले सकता है। इसी के अलावा आपने देखा कि उज्जैन साइंस सिटी के नाते से जाना जाता है, तो उज्जैन में हमने प्लेनेटोरियम बनवाया, साइंस सिटी बनवाया, स्टूडियो बनवाया,
साइंस के कई उपकरण बना के दिखा रहे हैं। उज्जैन बाबा महाकाल के कारण साइंस के अलावा तो ज्योग्राफिकली भी महत्व रखता है। तो जंतर मंतर बनवाया, जंतर मंतर के बाद एक बड़ा टावर नया बना रहे हैं जो वैदिक घड़ी के समय का, वैदिक काल का समय बताएगा। एक अपने ऑब्जर्वेटरी डोंगला के महिदपुर के पास बनाई है जिसके माध्यम से काल गणना का केंद्र उज्जैन में था वो वापस पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। और बिल्कुल इसके बजाय उज्जैन से समय निर्धारण हो, रोजगार की बड़ी संभावना है। तो यहाँ उज्जैन को हमने एनएच से जोड़ा है। पहले राजमार्ग उज्जैन से नहीं थे, 300 साल पहले तक उज्जैन से राजमार्ग जाते थे, लेकिन जब राजधानी आगरा चली गई तो आगरा दिल्ली आगरा बॉम्बे नया राजमार्ग बन गया देवास के माध्यम से, तो उज्जैन से वो दूर हो गया था। तो वहाँ इंडस्ट्रिया बन गई, रेल गली, तो रेल नागदा से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन गया था, फिर पीछे रह गया। मुझे इस बात का संतोष के दो दो राजमार्ग उज्जैन से जब जुड़वाए तो आज हमारा विक्रम उद्योगपुरी, ताजपुर उद्योगपुरी, ये महाकाल उद्योगपुरी, मक्सी रोड, आगर रोड, देवास रोड, सभी इंडस्ट्रियल बेल्ट आज की स्थिति में हमारे यहाँ 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने में समर्थ हुआ। एजुकेशन हम उज्जैन में बनने की संभावना आ गई। एजुकेशन की कई संस्थाएं, इसमें एक MIT ग्रुप तो मैं पूना से लेकर आया हूँ, इसको लेपाड़ा के पास में यूनिवर्सिटी खोली, अभी 2 यूनिवर्सिटी और पाइपलाइन में। हमारी विक्रम यूनिवर्सिटी में लगभग 250 कोर्स खोले, BSc एग्रीकल्चर, BPED, MPED, तमाम प्रकार के कोर्स, जिसके कारण से बच्चे उज्जैन और प्रदेश से बाहर जाते थे उनको उज्जैन में मौका देना, मेडिकल कॉलेज उज्जैन में लेकर आए। एक और मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने अभी बात किसानों की भी करी है, तो मैं किसानों का ही जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किसानों को आए दिन समस्या होती है, चाहे भाव को लेकर हो या खाद बीज को लेकर हो, तो आपकी आप सरकार में रहें, कैबिनेट मंत्री रहें, किसानों के लिए हमने क्या क्या किया? देखिए आप देखो, किसानों के लिए तो इतना बड़ा चमत्कार माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, BJP सरकार ने किया। पहले किसान सिवाय मंडी पर निर्भर था कि उनकी फसल की परचेसिंग की एक ही जगह थी। आज किसानों के पास सबके पास समर्थन मूल्य में गांव-गांव में सोसाइटी में खरीदी चालू करी। इसका परिणाम क्या आया कि आज हमारे गेहूँ उत्पादन में, गेहूँ निर्यात करने में देश का नंबर वन राज्य बना है। तीसरी फसल चना के बाद में मूंग की फसल, ये खरीदने वाला भी देश का राज्य बना, पहला तो मध्य प्रदेश में बना। इसी प्रकार से हमारे ये पाइपलाइन, मुझे ध्यान में उज्जैन में अकेला उज्जैन की बात करो तो गंभीर के आसपास या छिपरा के आसपास किसान अगर पानी दे रहा था चोर कहलाता था कि पानी चुरा रहे। छिपरा आपने महिपुर में भी वहाँ भी चोर कहते थे, लेकिन आज मुझे इस बात का संतोष है कि नर्मदा पानी पाइपलाइन से जब आया तो किसानों को सीधा पानी मिला। उज्जैन छिपरा जी में पानी दिया और किसानों को एरिकेटेड एरिया बढ़ा करके उनको अपनी संपन्नता की तरफ से आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया। तो हमारी फसल उत्पादन, साग सब्जी, रोजगार, बागवानी, सारे क्षेत्रों में किसान की परिस्थिति बदली है। और मुझे इस बात का संतोष है जिस प्रकार से पूरी इंडस्ट्री आ रही है, तो आज अभी वर्तमान में जैसे मैं आपको जानकारी देता हूँ कि बागड़ की फैक्ट्री में 80 साल मटर जो खरीदा, तो उज्जैन की सारी मटर खरीद लेंगे, इंदौर की भी खरीद लेंगे, उसके बावजूद उनको मटर खोलनी पड़ेगी, तो वो अहमदाबाद तक से ला रहा है। और अभी तो वो है जो जैविक खेती वाली है, अभी के बजाय जब जैविक खेती की मटर या जैविक फसल की लें तो अकेला गेहूँ जो 2100 रुपये क्विंटल हम अगर बाजार में तोड़ते हैं तो 10,000 रुपये क्विंटल वो खुद लेने को तैयार हो जाएंगे। तो 5 से 7 गुना कीमत बढ़ेगी, तो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगी, किसानों के लिए भी अच्छा रहेगी और ये सभी सेक्टर के लिए अच्छा। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बताए कि आप तीसरी बार अभी प्रत्याशी हैं, अभी आप विधायक बनेंगे, सरकार आपकी बनेगी, कांग्रेस BJP का अपना अपना एक मूल एजेंडा होता है। आप मुझे बताएं कि उज्जैन शहर के लेकर आपने 10 वर्ष में ऐसी क्या चीज़ अब आपसे छूटी है जो आप आगे कर ले जाएंगे? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, चाहे ब्रिजगंज का ब्रिज हो, ब्रिज आया आगे होगा, ऐसा क्या एक शॉर्ट भी बता सकते हो आप चाहे कि ये मेरा एक सपना है उसे मुझे साकार करना है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मैं शहर से खुद प्रेम करता हूँ और शहर के अंदर के विकास के कामों को लेकर के स्वस्फूर्त अपने चिंतन अपनी चिंता से चिंतन से जनता के सुझावों से सब कामों पर लगता हूँ। तो आप देखिएगा कि उज्जैन एकमात्र हमारा शहर है जिसने तीसरा मास्टर प्लान का प्रकाशन कर लिया, और किसी भी शहर के विकास में मास्टर प्लान सबसे बड़ी भूमिका रखती है। उसी कारण से आप देखिएगा कि पहला मास्टर प्लान का प्रकाशन 1974 में कलेक्टर GN बुच के टाइम पर हुआ, जिसकी अवधि 20 साल की थी, जो 1994 में खत्म हो गई। कांग्रेस ने 1994 के बाद 2003 तक सरकार चली, लेकिन एक बार भी मास्टर प्लान का दूसरे मास्टर प्लान का प्रकाशन नहीं कराया। उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारी जो
मास्टर प्लान के आधार पर विकास होने वाली ग्रोथ धीरे धीरे घटते घटते 11% तक आ गई। जो गति बढ़ना चाहिए थी वो लगातार गिरती चली गई। उज्जैन केवल बुजुर्गों का, रिटायरमेंट वालों का एक छोटा शहर बनते रह गया। मुझे इस बात का संतोष है कि 2004 में टूरिज्म चेयरमैन बना, मैंने दोबारा प्लान प्रस्तावित कराया है, तो चूंकि 2004 के कुंभ में समय नहीं मिल पाया था इसलिए डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जब 2004 के बाद डेवलपमेंट का मैटर मास्टर प्लान के सामने साइड पर रखा तो 2016 के कुंभ में जब लगभग 14 ब्रिज बन के तैयार हो गए, जो नदी के दोनों तरफ विकास करने में सफल हुए, शहर का चारों तरफ विकास का रास्ता खुला और इसकी अवधि 2021 तक की थी। मिड टाइम जब हमने 2004 से 2021 तक मास्टर प्लान का प्रकाशन करा तो उज्जैन में एकदम चारों तरफ विकास की संभावना खुली। उसी का परिणाम रहा ताजपुर इंडस्ट्री, उसी का परिणाम रहा एकेबिन लाकर के विक्रम नगर ग्रोथ हुई, उसी का परिणाम रहा कि बड़े पैमाने पर हमारे आवास की बड़ी संभावना खुली, क्योंकि पहले शहर नाव जैसा बन गया था। मुल्लापुरा से लगा करके देवास रोड एकमात्र हमारा विलासनगर विकसित हुआ था, लेकिन ये इंदौर रोड का हमारा त्रिवेणी के आगे इंदौर नहीं बढ़ पा रहा था, उज्जैन नहीं बढ़ पा रहा था, चिंतामणि में बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा था, नदी का ऊपर का इलाका बिल्कुल खाली पड़ा था, देवगढ़ तरफ अवैध कॉलोनी बस रही थी, सिमस का क्षेत्र लगातार खत्म हो रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए केवल सिमस्त 12 साल में एक बार हमें विकास नहीं, ये सिमस्त वरदान है उज्जैन के, लेकिन केवल सिमस्त में विकास होगा ये भी गलत है। हर साल सिमस्त कर सकते तब उज्जैन का रास्ता आवागमन का बनना चाहिए, इतना विकास होना चाहिए। और आबादी तो भले आज की स्थिति में 7-8 लाख 1 करोड़ भी आबादी आ जाए तब भी हमारी आबादी को भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, लेकिन आबादी सुव्यवस्थित बसना चाहिए। इसको मन्नत गार्डन के यहाँ से लेकर के रोपवे का नया विस्तारीकरण रूप देना पड़ेगा, जंतर मंतर के पास से मिला करके हमको शांति प्रदेश के पीछे वापस फोर लेन देना पड़ेगा जिसको जयसिंहपुरा के पीछे हिस्से जोड़ेंगे। अर्थात इतने सारे डेवलपमेंट की बड़ी संभावना है और ये सारी संभावना इसी प्रकार की रहेगी जब अपने अकेले महाकाल में 3 लाख लोग रोज अगर आ रहे हैं तो रोज आने वाले लोगों को आने के जाने के ठहरने की सारी व्यवस्थाएं को खड़ी करना पड़ेगी। 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था हमने कर दी, लेकिन रुकने वाले गरीब लोग, निर्धन लोग, कार सेवक लोग या सावन के महीने वाले जो एक तरह से जल लेके कावड़ यात्री आते हैं, तो यहाँ पर सब प्रकार के लोग आ जाए, वो कम से कम 10 लाख लोग रोज रुक जाए, इनका प्रबंधन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ धर्मशालाएं का विस्तार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आवास का प्रबंधन विभिन्न समाज अपनी धर्मशाला बनाए, सभी अखाड़े जो बड़े बड़े आश्रम खोलना चाहते हैं, सभी प्रकार के बड़े शैक्षणिक संस्थान जो यहाँ को एजुकेशन के सेंटर बनाना चाहते हैं, सभी हेल्थ से जुड़े हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबकी बड़ी संभावना और सबकी इच्छा उज्जैन है, क्योंकि उज्जैन में एक वरदान है कि ये भारत का सेंटर है, वो भारत का नहीं वैसे तो दुनिया का माना जाता है। तो यहाँ इस शहर के अंदर बड़ी संभावना और इस सब पे काम करने के लिए हमको बेस बनाना पड़ेगा, और ये मैं मान के चलता हूँ, मैं अकेला नहीं करूँगा, ये उज्जैन के सारे लोग मिल के करेंगे और हम न्यू बनाएंगे तो हम तो 10-5 साल 15 साल 25 साल जिएंगे, लेकिन हमारे द्वारा किए कामों से कई हजार साल तक उज्जैन बढ़ता रहे ये प्रयास करने जाए। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ आज हमारी मुलाकात विशेष मेहमान के रूप में उन्होंने अपनी किए हुए कार्यों को बताया है और विधानसभा चुनाव महासंग्राम में आपने सभी ने देखा है। आगे भी आप अवंती का एक्सप्रेस न्यूज चैनल को देखते रहिए। सुमेर सिंह सोलंकी के साथ आज हमारे साथ में सहयोगी के रूप में थी मीनाक्षी गुप्ता जी।